गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल सहानी, सीनियर लेक्चरर सी डी डी एम, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। टुडे सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ फैशन 3, कोड CD 303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल, यूनिट नंबर 4, फॉर्डर प्लानिंग पार्ट 5, 4.4, सब टॉपिक ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम वाटर प्लानिंग के की कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। So we're going to include here the meaning of personality, definition of personality, meaning of dress and dressing, definition of dress and dressing, meaning of psychology, definition of psychology, definition of color psychology, principles of color and effect of color. Now what is a personality? Personality is a relatively stable and enduring set of characteristics, cognitive, behavioral and emotional traits. Over time, a person will interact with others in a reasonably predictable way. Personality changes with experience, maturity and external demands in a way that promotes adaptation to the environment. It is affected by genetic and psychosocial factors. Now, personality, the meaning of personality. Personality, a characteristic way of thinking, feeling, and behaving. Personality embraces the moods, attitudes, and opinions and is most clearly expressed in interaction with other people. It includes behavioral characteristics, both inherent and acquired, that distinguish one person from another and that can be observed in people's relation to the environment and to the social group. व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक विशिष्ट तरीका है। व्यक्तित्व मूड, दृष्टिकोण और विचारों को गले लगाता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। इसमें व्यवहार संबंधी विशेषताएं शामिल हैं जो कि अंतर्निहित और अधिग्रहित दोनों हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है और जिसे पर्यावरण और सामाजिक समूह के लोगों के संबंधों में देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। The combination of characteristics or qualities that form an individual distinctive character. विशेषताओं या गुणों का संयोजन जो व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र का निर्माण करता है। Then comes the next definition, हम एक और पढ़ेंगे। Personality is defined as the characteristics set of behavior, cognitions and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors. व्यक्तित्व को व्यवहार, अनुभूति और भावनात्मक पैटर्न के विशिष्ट सेटों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जैविक और पर्यावरणीय कारकों से विकसित होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कैप्शंस आपको दिख रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाना बताना चाहूँगी, ये कुछ ऐसे पोर्टेबल कोट्स हैं जो एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञों ने के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ डिज़ाइनर्स भी हैं। तो मैं कुछ आपको इसमें रीड करके और समझाने का प्रयास करूँगी। पहला है, जैसे पर्सनालिटी बिगिंस वे कंपेरिजन लीव्स ऑफ, सो बी यूनिक, बी मेमोरेबल एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी प्राउड। ये शैनन के द्वारा कहा गया है, शैनन एल्डर के द्वारा। फिर है, अपीयरेंस मेक्स इम्प्रेशन बट इट इज़ द पर्सनैलिटी दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। तो अपीयरेंस जो है एक इम्प्रेशन का कार्य करती है, बट जो पर्सनैलिटी होती है वो एक अपना पूरा प्रभाव छोड़कर जाती है। Attitude and personality are as important as experience and ability.
जो आपका व्यवहार है और जो पर्सनालिटी है यानी आपका जो व्यक्तित्व है, वो इतने दो मुख्य हैं जितना आपका अनुभव और आपकी जो क्षमता है। पर्सनालिटी बिगिंस वे कंपेरिजन एंड्स, कार्ल लेगरफील्ड ने कहा है कि जब हमारा किसी के साथ कंपेरिजन ख़त्म हो जाता है तो हमारी पर्सनालिटी बनना शुरू होती है, यानी हमारे व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। चेंजिंग द वे यू ड्रेस कैन मेक इट ईजियर टू मेक डीपर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ योर पर्सनालिटी। इससे ये तात्पर्य है कि जब हम कोई भी परिवर्तन करते हैं हमारे ड्रेसेस में, यानी कि जैसे हम पहनते हैं उन ड्रेसेस में जब हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारे जो में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत गहराई से परिवर्तन होता है। और किस में परिवर्तन होता है? हमारी पर्सनालिटी की संरचना में एक बहुत ही गहराई से परिवर्तन को देखा जा सकता है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने दो पर्सनालिटीज़ के बारे में कोटेबल कोट्स हैं, उनको मैं पढ़ना चाहूँगी। पहला है कि पर्सनालिटीज़ एवरी इंडिविजुअल सिग्नेचर, यानी कि वो आपका क्या है, हस्ताक्षर की तरह होता है। पर्सनालिटी जो है प्रत्येक यानी व्यक्ति विशेष का एक हस्ताक्षर की तरह होता है। दे विल नेवर बी एनी वन लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। देयरफॉर होल्ड ऑन टू व्हाट मेक्स यू सो स्पेशल, इसीलिए आप इसको सोच के रखिए या बांध के रखिए कि आप इतने विशेष क्यों हैं एज अ पर्सन, अ कैरेक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति के रूप में, एक चरित्र के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पावरफुल पर्सनालिटी इज नॉट अबाउट बीइंग इन कंट्रोल और कंट्रोलिंग अदर्स, यानी कि जो भी बहुत ही शक्तिशाली जो पर्सनालिटी होती है उससे यह तात्पर्य नहीं है कि आप में कोई नियंत्रण है या आप किसी को नियंत्रण करें किसी के ऊपर। इट इज़ अबाउट स्टेइंग रूटेड इन योर ओन कोर वैल्यूज, यानी अपने मूल्यों के अंदर, जो आपके अंदर जो मूल्य हैं निहित हैं आपके, उनमें आप गहराई से, आपकी जड़ें जो हैं वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, यानी उनमें कुछ प्रबलता भी होनी चाहिए और उसमें कुछ सच्चाई भी आवश्यक है। अब हम आते हैं ड्रेस एंड ड्रेसिंग, मीनिंग ऑफ ड्रेस, क्लोदिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड, यानी कोई विशिष्ट प्रकार की जो परिधान होता है उसे ड्रेस कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ ड्रेस है, अ ड्रेस इज अ गार्मेंट ट्रेडिशनली वोर्न बाय वुमेन और गर्ल, वन पीस कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉडिस एंड स्कर्ट, एक ऐसा परिधान होता है जो कि पारंपरिक रूप से महिलाओं के द्वारा या फिर लड़कियों के द्वारा पहना जाता है। ये वन पीस होता है और जिसमें बॉडिस और स्कर्ट जो होता है वो एक साथ जुड़ा हुआ होता है। मीनिंग ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग जो है वो एक वर्ब है यानी कि क्रिया है, पुट ऑन वंस क्लोथ यानी कि परिधानों को पहनना, इज नोन एज अ ड्रेसिंग। एंड द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ वन हु ड्रेसेस, या कोई भी ऐसा कार्य किया जाना या ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम परिधानों को धारण करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ड्रेसिंग, वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ड्रेस, वेयर क्लोथ्स इन अ पर्टिकुलर वे और फॉर पर्टिकुलर टाइप, यानी कि परिधानों को पहनने का एक निश्चित तरीका या प्रकार या फिर किस तरह से उसे पहना जाता है। अब हम फिर से कुछ कोटेबल कोट्स को लेना चाहेंगे और मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगी। नाउ फैशन इज़ व्हाट यू बाय, स्टाइल इज़ व्हाट यू डू विथ इट, आप फैशन को क्या करते हैं, खरीदते हैं। जब आप प्रचलन में होता है तो आप देख सकते हैं कि आप उसे परचेस करते हैं, और स्टाइल वे होता है जिस पे आप कार्य करते हैं कि मैं कैसी लगूंगी और मैं कैसा मेरा लुक होगा, वो होता है हमारा स्टाइल। ड्रेस हाउ यू वांट टू बी एड्रेस्ड, हमेशा आप ड्रेस इसी प्रकार से अपने आप को करें
कि आप कुछ एड्रेस करना चाहती हैं या आप कुछ अभिव्यक्त करना चाहती हैं किसी के सामने। क्लोथ्स डोंट मेक मैन, हम कहते हैं कई बार हमने ये ऐसा स्लोगन सुना है दैट क्लोथ्स मेक्स द मैन, है ना, बट हम यहाँ पे कहेंगे द क्लोथ्स डोंट मेक द मैन बट दे कैन मेक द मैन लुक ग्रेट, ठीक है ना। देन स्टाइल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर पर्सनैलिटी, यानी आपकी जो शैली होती है जो आप अपनाते हैं वो क्या होता है, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व का आईना होता है या प्रतिबिंब होता है। आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ एक्सेसरीज एज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट ऑफ वुमेंस आउटफिट। माइकल कॉर्स ने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो वुमेंस के जो आउटफिट्स होते हैं और वुमेंस आउटफिट्स के साथ जो उनके साथ एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट होना चाहिए, यानी वो उसको एनहांस करने वाला होना चाहिए। ड्रेसिंग वेल इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गुड मैनर, टॉम फोर्ड ने कहा है। तो एक ड्रेसअप होना भी क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस तो कर ही रहा है बट वो एक अच्छा आपकी गुड मैनर्स को भी दिखाता है, यानी आपके गुड चरित्र को, या आप ये कह सकते हैं कि आप किस तरह से आपके मैनर्स हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं उसको भी दर्शाता है। द जॉय ऑफ ड्रेसिंग इज़ एन आर्ट, ये आपको जॉन गैलियानो ने बताया है कि ड्रेसिंग जो है वो एक कला है और एक बहुत ही खुशनुमा प्रक्रिया भी है, मतलब एक प्रक्रिया है और एक कला भी है। केयर फॉर योर क्लोथ्स लाइक द गुड फ्रेंड्स दे आर, हमेशा अपने परिधानों की बहुत अच्छे प्रकार से हमें रख रखाव करना चाहिए, उसी प्रकार से जिस तरह से हम हमारे दोस्तों का ध्यान रखते हैं या उनका हम रख रखाव करते हैं। एक और है जो हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी आर एज इम्पॉर्टेंट एज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी, जो हमारा व्यवहार है और जो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा अनुभव और हमारी काबिलियत या फिर हमारी क्षमता। नेक्स्ट स्लाइड में हम वापस से क्या करेंगे, कुछ कोटेबल कोट्स पढ़ेंगे। कोटेबल कोट्स पढ़ने से क्या होता है कि कोटेबल कोट्स जो होते हैं कि बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है, और ये जो अभिव्यक्ति होती है ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है आपके जीवन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फैशन फेड्स एंड स्टाइल इज़ इटर्नल, मतलब फैशन जो है वो आता है और फिर चला जाता है और फेड हो जाता है, बट जो स्टाइल होती है वो हमेशा रहती है और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। क्लोथ्स डोंट मेक द मैन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट दे कैन मेक द मैन लुक ग्रेट, ठीक है। ड्रेसिंग वेल इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गुड मैनर, टॉम फोर्ड के द्वारा कहा गया है। एंड मैंने आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जो मैं आपको पहले भी बताई चुकी हैं, इसमें एक नया है दैट ऑलवेज ड्रेस वेल एंड कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। कभी भी आप ड्रेसअप हों वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, बट कीप इट सिंपल बट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए। अब हम आते हैं, टेस्ट इन क्लोथ्स आर द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट कलर्स एंड स्टाइल्स इफेक्टिवली इज़ अ ड्रेस सेंस। अब हम ड्रेस सेंस के बारे में पढ़ेंगे तभी हम ये पढ़ पाएंगे कि किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। कपड़े या रंग और शैली को प्रभावी ढंग से समन्वित करने की उनकी क्षमता को ड्रेस सेंस कहते हैं। ड्रेसिंग इज अ वर्ब एंड एक्शन, सो ड्रेस सेंस इज द सेंस ऑफ डूइंग द एक्शन, ठीक है। ड्रेसिंग एक क्रिया है, इसलिए ड्रेस सेंस एक्शन करने का एक जज्बा है। एंड इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग हिज और हर पर्सनालिटी,
इट इज़ राइटली सेट दैट अ मैन इज़ नोन बाय हिज ड्रेस एंड एड्रेस। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल की जो स्टाइल होती है वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। An individual dressing sense speaks volumes of his character and personality. You really need to know what you are wearing. किसी व्यक्ति की ड्रेसिंग की शैली उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सही कहा गया है कि एक आदमी को उसकी पोशाक और पते से जाना जाता है, यानी एड्रेस। एक व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस उसके चरित्र और व्यक्तित्व के संस्करणों को बोलता है। आपको वास्तव में ये जानने की ज़रूरत है कि आपने क्या पहना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइंस सेज दैट द क्लोथ्स दी वेयर इफेक्ट अ बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, मूड, confidence and even the way we interact with other. This is an cloth coordination. विज्ञान कहता है कि हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हमारे व्यवहार, व्यक्तित्व, मनोदशा, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं और इसे हम enclothed coordination कहते हैं। The term enclothed coordination is used to describe the effect that a cloth seems to have on various psychological processes like emotions, self-evaluations, attitudes, interpersonal interactions. Clothes affect our behavior and our mood because of the symbolic meaning that we as a society described to different types of attire. शब्द enclothed coordination का उपयोग उस प्रभाव का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हमारे कपड़े, भावनाओं, आत्म मूल्यांकन, दृष्टिकोण, पारस्परिक बातचीत जैसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर लगता है। कपड़े हमारे व्यवहार और हमारे जो मनोदशाओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक अर्थ है कि हम समाज के रूप में विभिन्न प्रकार की पोशाक के लिए क्या लिखते हैं या क्या किस प्रकार से उसे हम समझाते हैं। वी कंसिडर सम क्लोथ्स टू बी पावरफुल, सम टू बी फन एंड सो ऑन। वी इवन इवैल्यूएट पीपल हुम वी हैव जस्ट मेट बेस्ड ऑन द क्लोथ्स। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उसको उसके क्लोथ से ही, हमेशा परिधान से ही जज करने की कोशिश करते हैं। एंड द ओकेजन, इट वुड सीम्स दैट वी ऑल्सो इवेलुएट आर सेल्फ एंड आर रोल्स बेस्ड ऑन वॉट वी आर वेयरिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द वे दे मेक यू फील। दिस मीन्स दैट द एक्सपीरियंस ऑफ वेयरिंग समथिंग subtly affects our attitudes and a choice of behavior. हम कुछ कपड़ों को शक्तिशाली मानते हैं और कुछ को मज़ेदार मानते हैं। हम उन लोगों का भी मूल्यांकन करते हैं जिनसे हम उनके कपड़ों और अवसरों के आधार पर मिले हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने और अपनी भूमिकाओं का मूल्यांकन भी करते हैं और हम किसी विशेष समय में क्या पहने हुए हैं जिस तरह से वे आपको महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पहनने का जो अनुभव होता है वो हमारे व्यवहार और व्यवहार की हमारी पसंद को भी प्रभावित करता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनालिटी। तो ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी में हमारी फैक्टर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बेस है जिसे हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। पहला है ड्रेस बेटर फील बेटर।
तो पर्सनालिटी को इन्हेंस करने के लिए बेहतर पोशाक हो और उसको पहनने के बाद हम बहुत ही अच्छा महसूस करें, तभी हमारा पर्सनालिटी है जो इन्हेंस होगी। जैसे कई बार होता है कि हम बहुत ही इल फिटेड अगर क्लोथ्स पहन लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको प्रभावित कर जाता है, और उससे जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो कुछ समय के लिए जो है वो प्रभावित हो जाती है। जैसे कि हमने बहुत टाइट फिटेड क्लोथ्स पहन लिए विच आर नॉट इन अ वेरी बेटर क्वालिटी बेटर वे, सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू फील वेरी लो, और लो फील करने से क्या होगा, जो हमारी पर्सनालिटी है वो बहुत ही सबड्यूडेड या म्यूटेड लगेगी। सेकेंड इज़ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लोथ्स, कपड़ों का सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी ओकेशंस के लिए जब हम कोई कपड़े पहनते हैं तो हमें उनका, हम कितने भी वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं बट जब हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम कहीं पे व्यवहारिक होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो सांस्कृतिक महत्व होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें उसी प्रकार की क्लोथिंग्स को वेयर करना चाहिए और हमारी पर्सनालिटी को एनहांस भी करना चाहिए। थर्ड इज़ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्लोथिंग सिलेक्शन, कपड़ों के चयन की मनोवैज्ञानिक प्रभाव। साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स का मतलब होता है जो हमारी मस्तिष्क से संबंधित होता है और वो हमारी क्लोथिंग सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। जब तक जैसे साइकोलॉजिकल है कि पर्सनालिटी को इन्हेंस करना, जब कुछ समय के साथ जब हम कुछ खरीदते हैं साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स में आता है, जैसे कि कभी हम बोर होते हैं किसी चीज़ से, कुछ कपड़ों से हम बहुत, हमें जल्दी हो जाता है क्योंकि हम लोग आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में रहना चाहते हैं कि जो भी चल रहा है हम उसके समकक्ष चलें या उसके पैरेलल चलते रहें। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम ज़रा सा भी डिले कर देते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी को भी प्रभावित करता है। तो ट्रेंड्स को भी फॉलो करना ही उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बोर्डम है आपका कंपेनियनशिप्स के लिए, या कन्वेंशंस टू रिएक्शंस हैं, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो क्लोथिंग सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फोर्थ है कलर, कलर भी आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है। कुछ लोगों के ऊपर कलर कुछ कुछ सूट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो ये भी हमारी पर्सनालिटी का जब हम चयन करें रंगों का तो वो भी बहुत सही प्रकार से होना चाहिए। फिफ्थ है द कट ऑफ द स्लीव्स ऑफ द क्लोथ्स कैन ऑल्सो हैव एन इफेक्ट, कपड़ों के कट या स्लीव्स का भी प्रभाव हो सकता है। तो क्लोथ्स जब भी हम पहने इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल शेप, तो आप किस शेप से बिलोंग करते हैं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी जो पर्सनालिटी है वो आपकी जो है बॉडी फिजिकल क्वालिटीज़ को भी एनहांस करता है और यह उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई कट या स्लीव्स लें, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको बहुत ही क्लोज फिटेड क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब बॉडीज़ में बहुत सारे जो उसके उभार होंगे वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे तो उसकी पर्सनालिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। तो उसको इन्हेंस करना है तो हम कुछ इस तरह के कलर्स, इस तरह के स्लीव्स लेंगे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट होंगे और उसकी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे। सिक्स्थ इज़ द डिज़ाइन पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स में हम दोनों तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स ले सकते हैं। गारमेंट के हम स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनको भी ले सकते हैं, और प्लस हम जो सरफेस पे, जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन में हमारे जो मोटिव्स हैं और जो पैटर्न्स का जो अरेंजमेंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसके आधार पे भी हम उसका चयन कर सकते हैं। और हर चीज़ में हमको हमारी पर्सनालिटी को देखना अति आवश्यक होता है। थैंक यू वेरी मच।